अलीबाबा, दास्ताने काबुल, ये वो टीवी सीरियल्स हैं जिनमें सिजान खान और तनीषा शर्मा साथ काम करते थे। टीवी सीरियल का ये प्यार असल जिंदगी में रंग दिखा पाता उससे पहले सिजान खान ने तनीषा शर्मा के साथ ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के दर्द से टूटी हुई तनीषा शर्मा ने इस दुनिया को ही छोड़ने का फैसला कर लिया और 24 दिसंबर को अपने टीवी सीरियल के सेट पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तनीषा के इस कदम से उनकी मां का रो रोकर बुरा हाल है। उनकी लाडो इस दुनिया से जा चुकी है, इस बात पर तनीषा की मां ही नहीं बल्कि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। आज क्राइम तक पर हम आपको उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने साल 2022 में किसी ना किसी वजह से सुसाइड कर लिया। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती हैं अभिनेत्री वैशाली ठक्कर। टीवी सीरियल ससुराल सिमर का में अंजलि का रोल निभाकर फेमस हुई अभिनेत्री वैशाली ठक्कर ने मध्य प्रदेश के अपने घर में अपनी शादी से ठीक 4 दिन पहले यानी 16 अक्टूबर 2022 को फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। मौकाए वारदात पर पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें वैशाली ने 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड राहुल पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री पल्लवी डे। साल 2022 में बांग्ला फिल्मों की फेमस अभिनेत्री पल्लवी डे ने कोलकाता के अपने घर में सुसाइड कर लिया था। हालांकि पुलिस को पल्लवी के घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला जिस वजह से ये सुसाइड अभी भी रहस्य बना हुआ है। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं अभिनेत्री विदिशा डे मजमूदार। पल्लवी की मौत को कुछ ही दिन बीते थे। उनकी मौत पर श्रद्धांजलि देने वाली विदिशा डे मजमूदार ने भी पल्लवी की मौत के 10 दिन बाद यानी कि 25 मई को सुसाइड कर ली। विदिशा ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें काम न मिलना आत्महत्या की वजह बनी। वहीं विदिशा के करीबियों के मुताबिक वो बॉयफ्रेंड की वजह से बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसने उन्हें धोखा देकर 3 और लड़कियों को डेट कर रहा था। इस दर्द को वो झेल नहीं पाई और दुनिया को अलविदा कह दिया। विदिशा डे मजमूदार के बेस्ट फ्रेंड कही जाने वाली बंगाली एक्ट्रेस मंजूषा नियोगी हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2022 में खुदकुशी कर सबको हैरत में डाल दिया था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मंजूषा विदिशा डे की खास दोस्त थी। दोस्त के सदमे की वजह से 26 साल की मंजूषा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हमारे इस लिस्ट में पांचवें और आखिरी नंबर पर हैं जानी मानी फैशन डिजाइनर प्रत्युषा गरिमेला जिन्होंने जून 2022 में खुदकुशी कर ली थी। 35 साल की प्रत्युषा की लाश उनके वॉशरूम में पड़ी मिली थी। बताया जाता है कि उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सूंघकर अपनी जिंदगी खत्म की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रत्युषा अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझ रही थी। इनके अलावा भी इंडस्ट्री में कई ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने डिप्रेशन, काम ना मिलने की वजह से सुसाइड कर अपनी जान ले ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।